रहने को सदा दहर में कोई आता नहीं, तुम ऐसे गए जैसे कोई जाता नहीं। इन 2 सालों में हमारे सामने 2 ऐसी घटनाएं आईं जो दिल को दहला देती हैं। सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धार्थ शुक्ला जैसे सितारों का हम सबके बीच से यूं चले जाना विश्वास ना करने जैसा है। नमस्कार, मैं मोनाली पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 28। आज 2 बजे सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर का कोसीवारा में अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूंकि सिद्धार्थ शुक्ला ब्रह्म कुमारी आश्रम के सदस्य थे, इसीलिए सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से किया जाएगा। आज ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स को पढ़कर मेरी आंखें भभक आईं। उन ट्वीट्स में फैंस का प्यार साफ साफ सिद्धार्थ शुक्ला के लिए झलक रहा था, जिसको देखकर मेरा खुद के इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहा। एक हंसते हुए चेहरे से सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी, पर आज वो हंसता हुआ चेहरा हम सबको रोता हुआ छोड़कर चला गया। अली गोनी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि एक चेहरा जो हमेशा हंसते हुए देखा, लेकिन आज जो देखा उसे देखकर दिल टूट गया। वहीं हिमांशी खुराना ने ट्वीट किया कि कहानी ऐसे खत्म हुई कि सब रो दिए। मैं तो सना के बारे में सोच सोच कर घबरा रही, काश मैं सहनाज के पास होती। आसिम रियाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं तुमको स्वर्ग में मिलूंगा। कुछ फैंस दूसरी तरफ रश्मि देसाई को ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ फैंस शहनाज के लिए चिंता जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं शायद कुछ बोल ना पाऊं। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काला अंधेरा छाया हुआ है। भगवान सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को शांति दे। न्यूज 28 की तरफ से सिद्धार्थ शुक्ला को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नमस्कार।